तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, ये हमारा जो पहले की मैंने वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन में अंदर जो 2G नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, उस 2G नेटवर्क की प्रॉब्लम को हम लोग प्रैक्टिकली आज समझने वाले हैं। जैसे मेरे पास मोबाइल फोन का बोर्ड है, एक नहीं मेरे पास दो दो मोबाइल फोन कीपैड मोबाइल फोन का बोर्ड है, उसका मैं आपको प्रैक्टिकली टोटल आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हमारे मोबाइल फोन में नेटवर्क का सिस्टम काम करता है। और नेटवर्क का 2G पार्ट के बारे में मैं आज आपको पूरा वीडियो देने वाला हूँ। ये पूरा प्रैक्टिकली वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें, अच्छे से वॉच करें। वॉच करने के बाद फिर आप इस पर अच्छे से काम कर पाएंगे और आपके पास जो भी मोबाइल फोन आएगा उस मोबाइल फोन में नेटवर्क की आने वाली समस्या वो आप आसानी के साथ में आप रिपेयर कर सकते हैं और आसानी के साथ में ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक स्टोर कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स सिखाया जाता है। यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट हार्डवेयर होता है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर होता है, ए से लेकर जेड तक पूरे जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन को थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों तरीके से मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका आपको सिखाया जाता है। मतलब बिल्कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है। तो चलिए हम लोग अपने चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। जैसे मेरे पास ये मोबाइल फोन का नोकिया के मोबाइल फोन का बोर्ड है, मैं इस बोर्ड को आपको अच्छे से व्यू करा देता हूँ। और इस व्यू के बाद जैसे ये देखिए, ये आपके पास बोर्ड है। इस बोर्ड के अंदर यदि नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो उस नेटवर्क की प्रॉब्लम को आप कैसे चेक करेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे, उसका तरीका हम लोग जानेंगे। तो नेटवर्क के लिए सबसे पहली बार जो नेटवर्क का पॉइंट स्टार्ट होता है वो हमारा नेटवर्क के लिए एंटीना पॉइंट से स्टार्ट होता है। ये एंटीना का पॉइंट दिया हुआ है, ये देखिए। और कैसे नेटवर्क आते हैं, ये एंटीना का पॉइंट होता है, यहां से आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क आएंगे, ये नेटवर्क यहां से सिग्नल आगे जाता है। देखिए मैं आपको पूरा सिस्टम आपको बता देता हूँ एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करके। कोई भी मोबाइल फोन आएगा, नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी, तो सबसे पहली बात आप सिम कार्ड को सही से डालें, सेटिंग में देखें सिम कार्ड प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं प्रेजेंट हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे बोर्ड में कैसे नेटवर्क की प्रॉब्लम को चेक करेंगे। ये आपके मोबाइल फोन में क्या होता है, एंटीना लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है दोस्तों, एंटीना। ये आपका एंटीना का पॉइंट है। एंटीना के पॉइंट में आपका देखेंगे ये आपकी जो आईसी लगी है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएफओ आईसी। क्या बोलते हैं दोस्तों, पीएफओ आईसी। पीएफओ का पूरा नाम होता है पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ये हमारी पीएफओ आईसी होती है। इस पीएफओ आईसी का काम क्या होता है, कैसे काम करती है, मैं आपको तरीका समझाता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ से एंटीना आता है, ये एंटीना यहाँ से होते हुए रेजिस्टेंस पे जाता है, ये रेजिस्टेंस इस सप्लाई को आगे करके पास कर देता है, फिर सप्लाई आगे चली जाती है, दूसरे रेजिस्टेंस पर जाती है, ये भी सप्लाई को आगे करके पास कर देती है, फिर सप्लाई आपका चला जाता है एंटीना के अंदर। ये एंटीना क्या काम करता है, वो जो सिग्नल होता है उस सिग्नल को लेता है, उस सिग्नल को लेने के बाद आगे की तरफ भेज देता है, फिर ये सिग्नल आगे यहां से होता हुआ इस कॉइल से पास होता हुआ सीधे पीएफओ के अंदर इंटर कर जाता है, अंदर हो जाता है। अब पीएफओ आईसी क्या काम करती है, पीएफओ आईसी ऐसे तो काम नहीं करेगी, पीएफओ आईसी को काम करने के लिए क्या होता है, यहां पर आपका जो डायोड लगा होता है ये पॉजिटिव सप्लाई है, ये बैटरी कनेक्टर की सप्लाई आती है, जिसको वी बैट की सप्लाई बोलते हैं, यहाँ पीछे बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है। इस डायोड से करंट जो आता है इस कैपेसिटर पे आता है, कैपेसिटर से चला जाता है इसके अंदर, कैपेसिटर का दूसरा वाला हिस्सा ग्राउंड होता है, ये आपका कैपेसिटर लगा है। यहाँ पर जो वोल्टेज आते हैं ये तुम्हारे 3.7 वोल्टेज होते हैं, इसके माध्यम से 3.7 वोल्टेज होते हैं, पीएफओ के अंदर पहुँच जाते हैं। ये वोल्टेज आ गया और ये आ गया सिग्नल। अब पीएफओ आईसी क्या काम करेगी, अपने अंदर से दो सिग्नल निकालती है, एक तो सिग्नल निकालती है दोस्तों आरएक्स, एक सिग्नल निकालती है आरएक्स, दूसरा सिग्नल निकालती है टीएक्स। कौन से सिग्नल निकालती है दोस्तों, दो तरह के सिग्नल निकालती है, एक आरएक्स और टीएक्स। ये आरएक्स टीएक्स सिग्नल जो होते हैं यहां पे फिल्टर होते हुए चले जाते हैं सीपीयू के अंदर। आरएक्स का मतलब होता है रिसीव, टीएक्स का मतलब होता है ट्रांसफर, ये दोनों सिग्नल चले जाते हैं सीपीयू के अंदर। अब तुम्हारा जो यहाँ पर आगे लगा होता है क्रिस्टल, क्रिस्टल का एक पॉइंट जो होता है ये आपका ग्राउंड होता है,
उसके बाद यहां से अगर आप देखेंगे तो एक सप्लाई क्रिस्टल के इस पॉइंट पे जाती है, दूसरी सप्लाई क्रिस्टल के इस पॉइंट पे जाती है। क्रिस्टल का काम होता है एक पॉइंट पे क्रिस्टल पे वोल्टेज आते हैं, एक पे फ्रिक्वेंसी जनरेट होकर के तब क्रिस्टल के अंदर आती है और सीपीयू को मिलती है। सीपीयू क्या काम करता है, क्रिस्टल के माध्यम से फ्रिक्वेंसी बैंड को सिलेक्ट करता है कि कितनी फ्रिक्वेंसी आपको पकड़नी है, और ये फ्रिक्वेंसी आपके सिम के अंदर ऑलरेडी पहले से फिट होती है। वो सिम क्रिस्टल के माध्यम से सिग्नल बूस्ट होता है, क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, तब आपके मोबाइल फोन में पीएफओ से नेटवर्क इसमें होल्ड होते हैं। तो ये आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क को काम करने का तरीका होता है कि इस तरीके से मोबाइल फोन में आपके पूरे मोबाइल फोन में नेटवर्क चलते हैं। ये आपके 2G मोबाइल फोन में नेटवर्क करने काम करने का कॉन्सेप्ट होता है। यदि आपके पास 2G मोबाइल फोन आएगा, 2G मोबाइल फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी, और ये आपके एंटीना के पॉइंट ये होते हैं जहाँ से आपका एंटीना क्या होता है, कैच करता है एंटीना। तो ये आपका सीपीयू आईसी लगा हुआ है, ये आपका क्रिस्टल है, तो ये आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क काम करने का तरीका। इस तरीके से आपके पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम इस तरीके से आपके सॉल्व करी जाती है। सबसे पहली चीज आप क्या क्या चेक करेंगे, मैं फिर से एक बार नोट कर लेता हूँ। अगर आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है उसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहली चीज आप मोबाइल फोन में सिग्नल लाइन को चेक करें, ये चेक करें कि आपका सिग्नल पीएफओ तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। उसके बाद दूसरे बात, आप पीएफओ का वोल्टेज चेक करें कि पीएफओ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पीएफओ पे वोल्टेज आ रहा है तो उसके बाद तीसरा काम आपको चेक करना है पीएफओ का आरएक्स और टीएक्स को चेक करना है। आरएक्स टीएक्स के बाद फिर क्रिस्टल को रिसोल्ड करना है, उसके बाद देन नहीं होता तब कहीं पाँचवें नंबर पर आपको पीएफओ आईसी को रिसोल्ड करना है। तो इस तरीके से यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम को आपको स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो 2G मोबाइल फोन आते हैं, 2G मोबाइल फोन के अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको नेटवर्क के बारे में कई सारे पार्ट में वीडियो देने वाला हूँ, जिससे आप वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ सकेंगे। अच्छा, ये भी सारी चीजें इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और इनको स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको अच्छे से देखें। अगर आप रिपेयरिंग करने वाले टेक्नीशियन हैं तो ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद मेरा बोर्ड में पढ़ा हुआ उसको अपने मोबाइल फोन के वॉलपेपर पे भी लगाओ। उसको कई बार दिन में 10 बार 15 बार देखोगे तो आपके दिमाग के अंदर माथा के अंदर पूरा घुस जाएगा, अच्छे से घुस जाएगा, आपको समझ में आएगा और आप एक रिपेयरिंग में एक सफल और एक अच्छे टेक्नीशियन बन पाएंगे। दूसरी बात क्या है, और अगर इसके बाद भी अगर आप फ्रेशर हैं, इन सारी चीज़ों का अगर आप इतना समझ रहे हैं, अच्छे से जानकारी ले रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ए से लेकर जेड तक पूरा कंप्लीट मोबाइल फोन रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, तो आप ट्रेनिंग सेंटर को आकर के ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने नेटवर्क का 2G सेक्शन के बारे में पूरा आपको समझाया है, और आपने 2G सेक्शन के बारे में आपने पूरा समझाया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो में बने रहें, चैनल से संबंधित और भी सारा वीडियो को देखें, इसके बहुत सारे पार्ट हैं उन वीडियो को भी देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और दोस्तों चैनल को अगर जुड़े नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा। और वीडियो देखने के बाद सर एक मैसेज करें, पॉजिटिव मैसेज करें, ताकि हमको भी समझ में आए कि आपको जो भी सारा चीज़ समझाया आपको समझ में आ रहा है, हमको भी अच्छा लगता है। दूसरी बात क्या, अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी ऐसे लोग हैं उनको वीडियो मिल पाए, और आप कहीं ना कहीं अगर हम आपको सिखाने में मदद करते हैं तो आपको भी वीडियो को शेयर करके अपने चैनल को प्रमोट करिए। और आपका जो चैनल है राघवेंद्र अवस्थी नाम से जो चैनल मैंने बना रखा है, आप इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि आपको भी कहीं ना कहीं मेरे माध्यम से आपको अच्छे से मदद मिलती रहे और आपको अच्छे से फ्री में बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको ट्रेनिंग मिलती रहे। और अगर आप कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग अपना ट्रेनिंग सेंटर जो है कानपुर रेलवे स्टेशन के मात्र 200 मीटर पर एक मार्केट पड़ती है, सागर मार्केट, जो मोबाइल फोन की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर आप आकर के मोबाइल फोन रिपेयरिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग ले सकते हैं, ए से लेकर जेड तक, बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग ले सकते हैं। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।